हेलो गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो में आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत है गाइस। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईफोन के टॉप बेस्ट टाइम सेविंग ट्रिक्स एंड टिप्स के बारे में, जो बेहद यूजफुल हैं। और सबसे बढ़िया बात यह है कि आप इन ट्रिक्स को अपनी डेली रूटीन में भी यूज़ कर सकते हैं। और वाकई में जब आप इन ट्रिक्स को यूज़ करोगे अपने डेली रूटीन में, आपका बहुत सा टाइम भी बचेगा। आपको जब आप अपने आईफोन को यूज़ करते हो, ये जो ट्रिक्स हैं ही कुछ ऐसी जो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल ट्रिक्स हैं। आपको अपने डेली रूटीन में ये ट्रिक्स ज़रूर आजमानी चाहिए। सो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो गाइस। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर वन जो ट्रिक है अपनी, वो है टेक्स्ट रिप्लेसमेंट ट्रिक है। और ये जो फीचर है टेक्स्ट रिप्लेसमेंट का, जो कैसे काम करता है आपके आईफोन में, बेसिकली जैसे कि आप सभी देख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर एक शॉर्टकट की कोड यहाँ पर मैं ऐड करूँगा, सिंपली मैंने SYL यहाँ पर टाइप किया और यहाँ पर आप सभी देख सकते हो टॉप के ऊपर SYL के नीचे सी यू लेटर की ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल चुकी है। सो गाइस, जब मैं यहाँ पर PSP यहाँ पर टाइप करूँगा तो आपको यहाँ पर प्लीज सेंड मी योर पिक का एक बहुत सी बड़ी लाइन, आपको यहाँ पर मैसेज जो है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। ये है टेक्स्ट रिप्लेसमेंट का फीचर। अगर आपको इस फीचर के बारे में नहीं पता तो जरूर इस फीचर के बारे में आप सभी को पता ही होगा। जब आप कोई भी पैराग्राफ या कोई भी लंबी लाइन जब आप किसी को भी सेंड करते हो अपने व्हाट्सएप के थ्रू या किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू, तो आपको इस टेक्स्ट रिप्लेसमेंट के फीचर को जरूर यूज करना चाहिए। और वाकई में इसके साथ आपका जो टाइम है वो भी सेव होगा। कैसे इस टेक्स्ट रिप्लेसमेंट फीचर को ऑन करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्लीज सेंड मी पिक का जो एक मैसेज है वो यहाँ पर टाइप हो चुका है। जैसे मैंने PSP को टाइप किया, आपके सामने पूरी की पूरी जो लाइन है वो यहाँ पर टाइप हो चुकी है। कैसे इस टेक्स्ट रिप्लेसमेंट फीचर को ऐड करना है अपने आईफोन में, सिंपली सेटिंग को ओपन करना है। तो गाइस, यहाँ पर जनरल को टाइप करेंगे और यहाँ पर कीबोर्ड के ऊपर टाइप करना है, टेक्स्ट रिप्लेसमेंट का ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हो मैंने बहुत से शॉर्टकट यहाँ पर ऐड कर रखे हैं। तो गाइस, ये सारे के सारे शॉर्टकट्स आप सभी यहाँ पर चेक कर सकते हो। प्लस के ऊपर आपने टैप करना है नया शॉर्टकट बनाने के लिए। ऊपर आपने एक अपनी लाइन को यहाँ पर चूज करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखना है गुड मॉर्निंग। तो गाइस, यहाँ पर मैंने लिख दिया गुड मॉर्निंग टू यू। तो शॉर्टकट आपने टाइप करना है GMT, मैंने यहाँ पर शॉर्टकट ऐड कर दिया और यहाँ पर मैंने इसे सेव के ऊपर टैप कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर किसी भी एप्लीकेशन को यूज़ करोगे, जैसे कि मैंने अपने व्हाट्सएप की एप्लीकेशन को यहाँ पर ओपन किया है किसी को मैसेज सेंड करने के लिए कोई भी, जैसे कि मैंने ये इस कॉन्टैक्ट को ओपन किया और यहाँ पर मैंने टाइप करना है GMT। तो जैसे आप सभी देख सकते हो गुड मॉर्निंग टू यू का एक पूरा का पूरा जो लाइन है, सेंटेंस है, वो आपके सामने यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। ये बहुत ही टाइम सेविंग टिप्स हैं जो कि आप सभी को अपने डेली रूटीन में जरूर यूज करने चाहिए। इसके साथ आपका जो कीमती टाइम है वो भी आपका सेव होगा। सो गाइस, दूसरी ट्रिक में हम बात करेंगे आईफोन के स्क्रीनशॉट के रिलेटेड। अगर आपको किसी को भी स्क्रीनशॉट सेंड करना हो तो बेसिकली हम करते क्या है कि सिंपली यहाँ से स्क्रीनशॉट लिया और सिंपली यहाँ पर आपको लॉन्ग टैप किया और यहाँ से कितना टाइम आपका जो है वो यहाँ पर वेस्ट होता है, तो इसे आपने बिल्कुल सेव करना है। वो कैसे है, सिंपली आपको इस नई लेटेस्ट ट्रिक को यूज़ करना है। सिंपली अपने सिरी को एक्टिवेट करना है, यहाँ पर आपने बोलना है हे सिरी सेंड स्क्रीनशॉट टू जेसन। तो गाइज, जब आप यहाँ पर बोलोगे सेंड स्क्रीनशॉट टू एनी कॉन्टैक्ट, तो गाइज यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। तो यहाँ से आप सीधा ही किसी को भी स्क्रीनशॉट को सेंड कर सकते हो, सिंपली आपने बोलना है यस। तो यहाँ पर आपका जो स्क्रीनशॉट है यहाँ पर सेंड हो जाएगा। तो गाइज, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो ये जो मैसेज है स्क्रीनशॉट का, वो यहाँ पर सेंड हो चुका है मेरे एक कॉन्टैक्ट को। ऐसे आप इसे स्क्रीनशॉट के इस फीचर को यूज़ कर सकते हो। इसके साथ आपका टाइम जो है वो भी आपका सेव होगा। और आप सभी को पता ही होगा जो टाइम है आजकल के 5G जमाने में बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, हर किसी को टाइम सेव करना चाहिए। सो गाइज, अब बात करते हैं इंस्टाग्राम के एक ऐसे फीचर के बारे में जो शायद ही आप सभी को पता हो। गाइज, आप सभी को पता होगा इंस्टाग्राम जो है आजकल की एक पॉपुलर एप्लीकेशन है और इसमें भी आपको टाइम सेव करना आना चाहिए। सो गाइज, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, जैसे ही मैंने इंस्टाग्राम को ओपन किया और यहाँ पर अगर मुझे किसी को मैसेज यहाँ पर सेंड करना है, वो भी साइलेंटली, कैसे मैं सेंड कर सकता हूँ
हूँ, किसी को भी नोटिफिकेशन नहीं आएगी। साइलेंटली आप किसी को भी मैसेज सेंड कर सकते हो, केवल वो आपका मैसेज सेंड कर सकता है, बट उसको नोटिफिकेशन जो है वो टॉप के ऊपर बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगी। वो कैसे, सिंपली आपको यहाँ पर @ यहाँ पर टाइप करना है इंस्टाग्राम को ओपन करके, तो आपके सामने साइलेंट का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो आपने यहाँ पर साइलेंट के ऊपर टाइप करना है, तो जब आप इसके ऊपर टाइप करोगे साइलेंट के ऊपर, तो गाइज यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हो सेंड मैसेज विदाउट नोटिफिकेशन, तो आपके सामने ये ऑप्शन जो है वो ओपन हो जाएगा आपके इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन में। इसके साथ आपका जो टाइम है वो भी सेव होगा, और अगर आपके किसी फ्रेंड को जो है नोटिफिकेशन बिल्कुल भी नहीं पसंद है, सो गाइज आप इस फीचर को यूज़ कर सकते हैं, वो भी साइलेंटली अपने फ्रेंड को नोटिफिकेशन या मैसेज सेंड करने के लिए, उसको नोटिफिकेशन बिल्कुल भी नहीं आएगी टॉप के ऊपर, और आपके फ्रेंड को आपका मैसेज भी टाइप हो जाएगा। सो गाइज अब बात करते हैं आईफोन के इमोजीज के रिलेटेड कुछ ऐसे फीचर के बारे में जो शायद आपका टाइम जो है वो सेव कर सकते हैं। सो गाइज अगर आप अपने आईफोन में इमोजीज को बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हो, किसी भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन में इन इमोजीज को अगर आप बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हो, तो आपको बहुत सा टाइम लगता है अपने इमोजीज को फाइंड करने में, यार कौन सा इमोजी मैं यहाँ पर टाइप करूँ, कौन सा इमोजी मैं यहाँ पर सेंड करूँ, तो आपको यहाँ पर फाइंड करने पड़ते हैं। और आपको यहाँ पर सर्च का भी एक ऑप्शन दिखाई देता है, उसको यूज़ करके आप अपना टाइम सेव कर सकते हो। किसी को भी यहाँ पर आपने सिंपली यहाँ पर टाइप करना है स्माइली, तो यहाँ पर आपके सामने जो है स्माइल के सारे इमोजीज आपके सामने ओपन हो जाएंगे। जैसे कि मेरे को यहाँ पर लिखना है हार्ट, तो यहाँ पर मेरे सामने हार्ट की जो इमोजीज हैं वो यहाँ पर निकल कर आ जाएंगे। तो अगर आपको यहाँ पर कोई भी यहाँ पर अगर आपको इमोजी और चाहिए, तो आपके सामने यहाँ पर आप टाइप कर सकते हो, इमोजीज को फाइंड कर सकते हो बड़ी ही आसानी के साथ। इसके साथ आपका जो टाइम है वो भी आपका सेव होगा, और आपका काम भी बिल्कुल हो जाएगा। सो गाइज अब बात करते हैं यहाँ पर अगर आपके आईफोन में जो आई मैसेजेस की एप्लीकेशन में बहुत से मैसेजेस इकट्ठा हो रखे हैं, तो आपको उन्हें कैसे एक ही सेकंड में कैसे सेंड करना है। सिंपली आपको यहाँ पर 3 डॉट्स के ऊपर टैप करना है, सेलेक्ट के ऊपर आपने टैप करना है। जैसे ही यहाँ पर टैप करो, 2 फिंगर्स के साथ आपको अपने मैसेजेस को सेलेक्ट करना है। सिंपली आपने 2 फिंगर्स को यूज़ करना है इनको सेलेक्ट करने के लिए, 1 फिंगर के साथ आपने यहाँ पर टाइप करना है। तो जैसे यहाँ पर टाइप करोगे सिंपली आपने मूव डाउन करने हैं अपनी दोनों के दोनों फिंगर्स को। तो गाइज यहाँ पर आप चेक कर सकते हो एक ही सेकंड में मेरे सारे के सारे मैसेजेस जो हैं वो यहाँ पर सिलेक्ट हो चुके हैं, और आप इन्हें डिलीट भी कर सकते हो, और अपने किसी कॉन्टैक्ट को भी सेंड कर सकते हो, और अपने आईफोन में भी रख सकते हो सेव करके। ऐसे आप अपने किसी भी आईफोन में मल्टीपल मैसेजेस को आप सेलेक्ट कर सकते हो, चाहे वो कितने भी सारे क्यों ना हो। ऐसा ही आप अपने फोटोज एप्लीकेशन में भी कर सकते हो सेम। सो गाइज अब बात करते हैं अपने आईफोन की होम स्क्रीन के बारे में। सो गाइज होम स्क्रीन के ऊपर आप सभी देख सकते हो मेरे यहाँ पर 3 पेजेस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अगर मेरे को इनमें से कोई भी पेज को हाइड करना हो, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, वो सारी की सारी पेजेस की एप्लीकेशन भी हाइड हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। इसके साथ आपका टाइम भी बचेगा, नहीं तो आपको एक एक करके अपनी एप्लीकेशन को हाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको लॉन्ग टैप करना है होम स्क्रीन के ऊपर, इन डॉट्स के ऊपर आपको टैप करना है। जैसे टैप करोगे आपके सामने 3 पेजेस या 4 पेजेस जितने भी आपके आईफोन में उस टाइम में होंगे, तो आपके सामने ओपन हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर मैं अनटिक करूँगा इसे, तो गाइज यहाँ पर आप चेक कर सकते हो मेरे आईफोन में बस यहाँ पर 2 ही पेजेस यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, 3रा पेज आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा। और यहाँ पर आपके सामने अब ऐप लाइब्रेरी है, 3रा पेज अपना हाइड हो चुका है। कैसे अनहाइड करना है, सिंपली लॉन्ग टैप करना है फिर से, और यहाँ पर 3 डॉट्स के ऊपर फिर से टैप करेंगे, और यहाँ पर आपने इसे चेक कर देना है। चेक के ऊपर सेट करोगे तो आपका जो 3रा पेज होगा वो भी आपके आईफोन में आ जाएगा। कैसे होगी, सो गाइस यहाँ पर आप चेक कर सकते हो 3रा पेज भी अपने आईफोन के ऊपर आ चुका है। सो गाइस ये थी आज की ये वीडियो। सो गाइज अगर आपको वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ ही इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इन टाइम सेविंग टिप्स को यूज़ कर सकें अपने डे टू डे लाइफ में। सो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में, गाइज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। सो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में।